एक ऐसा नौजवान, एक ऐसा शायर, एक ऐसा खूबसूरत कवि जो अपनी शनाख्त की तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, वो हमारे दरमियान मौजूद है। और मैं चाहता हूँ कि लगे हाथों उनसे आपका तारुफ कराऊँ। गौतम राजरिशी सहरसा बिहार से हैं, सेना में कर्नल हैं, कई किताबें उनकी आ चुकी हैं, पाले, एक रोग नादा और नीला नीला। तो ये कोई अहमियत नहीं रखता कि साहब किस शायर की कितनी किताबें हैं, अहमियत इस बात की है कि वो कितने दिलों पे राज करता है। जोरदार तालियों से गौतम राजरिशी का इस्तकबाल करें। आइए भाई। कि जो देखना हो मुझे तो जरा ठहर जाना, बहुत अच्छा। जो देखना हो मुझे तो जरा ठहर जाना, मैं मंजरों के बहुत बाद का नज़ारा हूँ। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। नवाजिश और जश्न अदब की 11वें सालगिरह बहुत अच्छा, सबको मुबारक हो। और कुंवर रंजीत की मोहब्बत भरी पुकार पे हम नागालैंड से दौरे यहाँ चले आए हैं। क्या बात। और वो बार बार घर ही दिखा रहा है तो मैं सीधा अपने लिखे पे आता हूँ, जिसके लिए शकीन साहब ने हमें बुलाया है। कि ना चांद हूँ ना चमकता हुआ सितारा हूँ। क्या बात है। ना चांद हूँ ना चमकता हुआ सितारा हूँ, किसी के लम्स की लौ से जला शराब। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। न चांद हूँ न चमकता हुआ सितारा हूँ। दोस्तों हाथ खोल दीजिए, अच्छी शायरी हो रही है, बहुत अच्छी शायरी। लम्स की लौ से जला सितारा हूँ, था बेसलीका में था बेअदब, मगर जब से था बेसलीका में था बेअदब, मगर जब से हुआ है प्यार तो सबको बहुत ही प्यारा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हुआ है प्यार तो सबको बहुत ही प्यारा हूँ। और जो देखना हो मुझे तो जरा ठहर जाना, मैं मंजरों के बहुत बाद का नजारा हूँ। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। एक और गजल के चंद शेर देखे कि झुलसते चांद की सारी जलन उठा लाया। झुलसते चांद की सारी जलन, चांद की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आसमान वाले चांद की बात कर। कि झुलसते चांद की सारी जलन उठा लाया, क्या बात। मैं चांदनी का सुलगता बदन उठा लाया। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। झुलसते चांद की सारी जलन उठा लाया, मैं चांदनी का सुलगता बदन उठा लाया। शेर देखिएगा कि थी टूटी चूड़ियां माला भी एक टूटी थी। बहुत अच्छा है। थी टूटी चूड़ियां माला भी एक टूटी थी, मगर मैं कुर्ती का टूटा बटन उठा लाया। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। मगर मैं कुर्ती का टूटा बटन उठा लाया। और शेर देखेगा विज्ञान दादा की गले लगाया था बस एक बार उसने मुझे। क्या बात है, क्या। गले लगाया था बस एक बार उसने मुझे, ये जिस्म जिंदगी भर की चुभन उठा लाया। बहुत अच्छा है। कि ये जिस्म जिंदगी भर की चुभन उठा लाया। वाह वाह वाह, क्या बात। नवाजिश। कुछ और शेर देखें कि उसी एक मोर पर बैठा हुआ रास्ता संभाले हूँ। बहुत अच्छा। उसी एक मोड़ पर बैठा हुआ रास्ता संभाले हूँ, चले आओ तुम्हारे साथ का साया संभाले हूँ। बहुत अच्छा है। कहानी अच्छा। हाय अब आगे बढ़े तो ये बढ़े कैसे। क्या कहानी। कहानी हाय अब आगे बढ़े तो ये बढ़े कैसे, तुम्हारे कब्जे में रानी है मैं राजा संभाले हूँ। क्या बात है। कि तुम्हारे कब्जे में रानी है मैं राजा संभाले हूँ। और सुनो जाना खजाना ख्वाब का तो लुट चुका कब का। क्या बात। सुनो जाना खजाना ख्वाब का तो लुट चुका कब था, ये तो मैं हूँ कि अब तक नींद का खर्चा संभाले हूँ। बहुत अच्छा है। ये तो मैं हूँ, बहुत अच्छा है। नवाजिश। ये तो मैं हूँ कि अब तक नींद का खर्चा संभाले हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शकील साहब लहजे की बात कर रहे थे, थोड़ा सा मैं मॉडर्न शायरी सुनाने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल स्वागत है, इस्तकबाल। पछताओगी पछताओगी ऐसे जो दिल पर जाओगी तुम, धड़कन शोर मचाएगी तो डर जाओगी। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। पछताओगी ऐसे जो दिल पर जाओगी तुम, धड़कन शोर मचाएगी तो डर जाओगी तुम। हाथ छुआ बस इतने पर ये हाल तुम्हारा है। हाथ छुआ बस इतने पर ये हाल तुम्हारा है। चूम लिया अगर फिर तो क्या कुछ कर जाओगी तुम। कि चूम लिया अगर फिर तो क्या कुछ कर जाओगी तुम। खामोशी मेरी तो तुमसे सही नहीं जाती। बहुत अच्छा। खामोशी मेरी तो तुमसे सही नहीं जाती, शेर सुनोगी देखो कसम से मर जाओगी तुम। बहुत अच्छा है, बहुत शेर अच्छा सुनोगी है। देखो कसम से मर जाओगे तुम। एक इस इन्हीं लहजे में देखिए कुछ शेर की कोई मोहतरमा यहाँ बैठी हैं जिस पे टैटू हो तो ये उनको समर्पित है। अच्छा। एक टैटू गर्दन के नीचे एक टैटू है बाजू पर। क्या बात? एक टैटू गर्दन के नीचे एक टैटू है बाजू पर, तितली मंडराती रहती है उसके दोनों टैटू पर। वाह। और शेर देखे कि फेंक के मारूं उसके बदन पर मुट्ठी भर जो हर सिंगार। क्या बात है? फेंक के मारूं उसके बदन पर मुट्ठी भर जो हर सिंगार, कैसी खुशबू उठेगी जब खुशबू गिरेगी खुशबू पर। बहुत अच्छा है, कैसी बहुत कैसी खुशबू उठेगी जब खुशबू गिरेगी खुशबू पर। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। एक गजल के चंद शेर देखें कि नजर भर अब तो इसको देख ले, नजर भर अब तो इसको देख ले, अब तो इसको देख ले सदमे में बैठा है, न जाने कब से दीवाना तेरे रास्ते में बैठा है। बहुत अच्छा है। नजर भर अब तो इसको देख ले सदमे में बैठा है, न जाने कब से दीवाना तेरे रास्ते में बैठा है, खुरसता रहता है दिन रात कोई पसलियों के पास। क्या बात? खुरसता रहता है दिन रात कोई पसलियों के पास, भला ये कौन है जो छुप के यूं सीने में बैठा है। बहुत अच्छा है। भला ये कौन है जो छुप के यूं सीने में बैठा है, भटकती हैं उधर गलियों में तेरे हिज्र की चीखें, भटकती हैं उधर गलियों में तेरे हिज्र की चीखें, तेरी याद का सन्नाटा इधर कमरे में बैठा है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। तेरी याद का सन्नाटा इधर कमरे में बैठा है, सुनो तेरी हुस्न के खुदाओं इधर कमरे में बैठा है, सुनो ए हुस्न के सारे खुदाओं अब पिघल जाओ। बहुत देखो उधर वो इश्क जो सजदे में बैठा है। बहुत अच्छा। अधूरे सच का बरगद हूँ किसी को ज्ञान क्या दूंगा। बहुत अच्छा है। अधूरे सच का बरगद हूँ किसी को ज्ञान क्या दूंगा, मगर मुद्दत से गौतम मेरे साये में बैठा है। क्या कहना है? मगर मुद्दत से गौतम मेरे साये में बैठा है। वक्त हो तो एक दो गज़ल और सुनाना चाहते हैं हम कि नई तारीखें चढ़ती जाती हैं कैलेंडर में, नई तारीखें चढ़ती जाती हैं कैलेंडर में, यादों के सब पत्थर घिसते जाएं दिल के बंकर में। वाह। रात गए पढ़ता रहता हूँ मैसेंजर के सन्नाटे। क्या बात? तेरी खामोशी सुनता हूँ मोबाइल के स्पीकर में। बहुत अच्छा है। रात गए पढ़ता रहता हूँ मैसेंजर के सन्नाटे। क्या बात है? तेरी खामोशी सुनता हूँ मोबाइल के स्पीकर में, आज ही आना था उसको भी मेरी गली में सज धज कर। वाह। आज ही आना था उसको भी मेरी गली में सज धज कर, जाने क्या आंसर लिखूंगा मैं कल वाले पेपर। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। कि जाने क्या आंसर लिखूंगा मैं कल वाले पेपर में। शेर देखिए कि कितनी गर्म सी चुप्पी है ये आज दरमियां दोनों के, कितनी गर्म सी चुप्पी है ये आज दरमियां दोनों के, कुल्फी प्लेट में पिघली जाए और चॉकलेट रैपर में। क्या बात है, क्या बात है। कॉल नहीं वो मेरा उठाए ऐसा हो सकता है क्या। वाह। कॉल नहीं वो मेरा उठाए ऐसा हो सकता है क्या, कुछ सिग्नल की मुश्किल होगी शायद उसके नंबर में। वाह वाह। तुम हो जब आंखों में मेरी और किसी को देखूंगा, तुम हो जब आंखों में मेरी और किसी को देखूंगा, ऐसा नहीं होता है जाना दीवानों के कल्चर में। बहुत ऐसा नहीं होता है जाना दीवानों के कल्चर में। आखिरी गज़ल सुना के फिर मैं जगह लेना चाहूँगा, मैं बैठा हूँ विज्ञान दादा को सुनने के लिए। कि ना ये अवतर पे निकलेगा ना ये बेहतर पे निकलेगा। अच्छा। ना ये अवतर पे निकलेगा ना ये बेहतर पे निकलेगा, जुनू सीने से निकलेगा तो वह महशर पे निकलेगा। क्या बात है, क्या बात है। डी-डे जो क़यामत का दिन कहते हैं कि ना ये अवतर पे निकलेगा ना ये बेहतर पे निकलेगा, जुनू सीने से निकलेगा तो वह महशर पे निकलेगा। क्या बात। इसे अशकों से सींचा जा रहा है सुन मेरी जाना, इसे अशकों से सींचा जा रहा है सुन मेरी जाना, शजर उल्फत का तेरे दिल तो क्या पत्थर पे निकलेगा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। उल्फत का तेरे दिल तो क्या पत्थर पे निकलेगा, बड़ा कमबख्त है ऐसे ना निकलेगा कहीं भी ये। बड़ा कमबख्त है ऐसे ना निकलेगा कहीं भी ये, अगर निकला मेरा दम तो ये तेरे दर पे निकलेगा। बहुत अच्छा है। कि अगर निकला मेरा दम तो ये तेरे दर पे निकलेगा। शेर देखेगा विज्ञान दादा बिंब देखेगा कि वो याद आए तो ये आंखें भला क्यों भीग आती हैं, वो याद आए तो ये आंखें भला क्यों भीग जाती हैं, बदन का मैल कब तक शर्ट के कॉलर पे निकलेगा। बहुत अच्छा। कि बदन का मैल कब तक शर्ट के कॉलर पे निकलेगा, रहेगा जज्ब जो एहसास दिन भर दिल के कोने में। क्या बात है। रहेगा जज्ब जो एहसास दिन भर दिल के कोने में, वही फिर शब को मोबाइल के एक नंबर पे निकलेगा। बहुत अच्छा। वही फिर शब को मोबाइल के एक नंबर पे निकलेगा। और आखिरी शेर सुनाकर बैठना चाहता हूँ कि सभी से हो खफा गौतम, कहो क्या बात है आखिर। बहुत अच्छा। सभी से हो खफा गौतम, कहो क्या बात है आखिर। ये गुस्सा है मोहब्बत पर जमाने भर पे निकलेगा। बहुत अच्छा है मोहब्बत पर जमाने भर पे निकलेगा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। ये देखिए आपके गौतम राजरिशी जैसा फरमा रहे थे, और यकीन कीजिए इसमें कोई शुबा भी नहीं है कि उनकी जो लफ्ज़ियात हैं, उनकी जो शब्दावली थी वो ज़रा सी अलग है, और आज के ज़माने की शब्दावली है, आज के ज़माने की लफ्ज़ियात है। कॉलर, मैसेंजर, डीपी और सोशल मीडियाज़ के हवाले से जितने पहलू हो सकते हैं, जितने मौज़ूआत हो सकते हैं, उनको समेटने की कोशिश की गौतम राजरिशी ने।